हेलो दोस्तों, आज मैं खेल रहा हूँ ग्रेनी चैप्टर 2 और आज हम स्केप करने वाले हैं बोट स्केप। तो बोट स्केप अपना बेसमेंट में है और आज मैं बन चुका हूँ हल्क। तो वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी गेम प्ले वीडियो आपके लिए याद रहूँगा। तो गेम के अंदर ग्रैंडपा है, ग्रेनी तो नहीं है फिलहाल, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ड्रॉवर खोलता हूँ और पहले मुझे बोट की मिल चुका है, इसको मैं फेंक देता हूँ ये सीढ़ी के पास ताकि मैं नीचे जाके इसको बाद में ले सकूँ। तो जितने भी आइटम है मुझे ऐसे ही लेके इसको वहाँ सीढ़ी के पास भेजना है, मतलब कि। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। तो भाई इसको ड्रॉवर को जल्दी खोलते हैं। और भाई यहाँ पर रिंच मिल चुका है, इस रिंच को मुझे भाई लेके आगे जाना पड़ेगा जहाँ पे एक सेकंड ग्रैंडपा है। हाँ बताना भूल गया, देखो ग्रैंडपा के गले में एक की पड़ा है, उस की को मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि वो सिक्योरिटी की है जो कि ग्रैंडपा अपने गले में टांग के घूमता है। तो बस मुझे वही की चाहिए। और यहाँ पे भाई जो पानी भरा है इसको मैं जो रिंच लेके यहाँ पे आऊँगा नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक साइड नट रहेगा उसको मुझे ढीला करना पड़ेगा। और उसको ढीला करने के बाद मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा जो कि जो पानी जैसे जमा रहता है ना, पानी जैसे नाली में रहता है नाले में, और वो पानी जैसे एक जगह भरा रहता है, जाली जो रहती है वो खुला नहीं रहता ना, तो ये काम वही करता है ना, वो जाली खोल देता है पानी भर जाता है। तो ये काम मैं क्योंकि हूँ आगे बताता हूँ और चलता हूँ इस कमरे में देखता हूँ क्या है। तो इस कमरे में तो कुछ नहीं भाई, और यहाँ पर देखता हूँ क्या है। भाई बोट स्किप करना है तो काफ़ी आइटम चाहिए, तो अभी मैं एक काम करता हूँ इसको दाब देता हूँ। इसको दाबने के बाद भाई देखो वो होगा, इसके अंदर वेपन रखा रहेगा साथ में कुछ, मुझे और कुछ मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे तो एक सेकेंड, मैंने सारा कुछ चेक कर लिया पर अभी कुछ मिला नहीं, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पे पौधान पे फेंक देता हूँ ये, ठीक है। अब मैं आगे निकलता हूँ तो देखो भाई ग्रैंडपा तो अभी दिख नहीं रहा, एक सेकेंड वो ग्रैंडपा जा रहा है, उसके गले में की था उसको मैं बाद में लूँगा, उससे पहले मुझे गन चाहिए। और अभी मैं छुप जाता हूँ नहीं तो ग्रैंडपा मुझे भाई दौड़ा के मारेगा। तो अभी मुझे चलना पड़ेगा नीचे की तरफ, मतलब कि ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे बोला दिया, और चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ। और ऊपर जाके मुझे ये ग्रेनी का किचन है और इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेनी का किचन पूरा चेक करना पड़ेगा, शायद इसके अंदर मुझे कुछ आइटम देखने को मिल जाए। तो फटाक से ड्रॉर खोलता हूँ और मुझे कुछ आइटम मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। और भाई यहाँ डस्ट टेप मिल चुका जो कि ये भी नहीं चाहिए, इसको देखते हैं क्या मिलेगा। तो कुछ नहीं, इसको भी खोलते हैं। भाई मैंने सारी चीज़ खोला पर कुछ नहीं मिला, अब बारी इसको खोलने की। यह तो हैंड व्हील है और इसको बंद कर देता हूँ, कुछ नहीं मिला यहाँ पे। आगे चल के देखता हूँ क्या मिलेगा मुझे। तो आगे चलने के लिए मुझे भाई इस ड्रॉवर को खोलूँगा और देखता हूँ यहाँ पे क्या मिलेगा। बस मुझे सिक्योरिटी की मिल जाए या स्टन गन जो रहता है ना ग्रैंडपा को मारने वाला, वो मिल जाए बढ़िया रहेगा बाकी। और यहाँ पे हाँ ये मिल चुका भाई, इसी की बात कर रहा था। तो ये उठा लिया हूँ और अभी तो ग्रैंडपा तो आया ही नहीं रहा। एक काम करता हूँ इस दरवाजे को खोल के इसके अंदर चेक कर लेता हूँ, कुछ आइटम मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। और इसको भी खोल लेता हूँ, खुल जा भाई। तो यहाँ पे डोर हैंडल है जो कि मुझे डोर स्किप करने में मदद करेगा, पर मैं डोर स्किप नहीं। और भाई मुझे पहले ही सेफ की मिल चुका है, सेफ की मुझे बहुत ज़रूरी थी तो ये सेफ की मिल चुका है। और इसको भी खोल लेता हूँ ड्रॉवर को, इसको भी खोल लेता हूँ ताकि बाई चांस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है। यहाँ से कूद के चलता हूँ नीचे की तरफ। और भाई यहाँ ग्लोस लाइन कैन तो यहाँ पर छुपा है, मैं इसको देखा था भाई, अभी तो मेरे को दिक्कत हो जाता क्योंकि ग्लोस लाइन कैन मैंने लिया ही नहीं। चलो ग्रैंडपा को बुलाते हैं और इसको मारते हैं पहले, तो फिर ग्रैंडपा के हाथ से जो की है ना वो गले में की लगाया ना उसको छीनना पड़ेगा मुझे, उससे मैं सिक्योरिटी की खोलूँगा। तो फटाक फटाक जल्दी से काम करता हूँ। तो ग्रैंडपा कहाँ है, मैं थोड़ा यहीं खड़ा होकर वेट करूँगा। ये आ चुका, देखो उसके गले में की है, ये मैं इसको शूट कर दिया हूँ और इसको करंट लग रहा है। एक सेकेंड कहाँ गया, ये रहा स्टिंगन, इसे उठा लेता हूँ। और मैं ग्रैंडपा के गले में से की उठाता हूँ पहले, तो क्योंकि ये की लेना मेरे को बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो भाई ये गले में की टांगा भाई, ये रहा एक ग्रैंडपा थोड़ा वैसे हो जाए, ये मिल चुका है। चलो इस की को मैं यूज करूँगा, पहले इसको मैं यहाँ फेंक देता हूँ और पहले मैं स्पाइडर को मारूँगा क्योंकि यहाँ पे पानी भरा था, पानी से आगे मैं जा नहीं सकता इसलिए मैं अब जा सकता हूँ। चलो पहले इसको मारता हूँ, ये इसको भी मार दिया स्पाइडर एंजेलिना के बच्चे को, सिलेंड्रीना का बच्चा है। एक सेकंड कहाँ गया, नीचे तो नहीं चला गया भाई। चलो इसको फेंकते हैं, यहाँ पर क्रूबार है, इसको मैं फेंक के आता हूँ वहाँ पर, उसके बाद मैं बाद में आऊँगा उसको भी देंगे। पहले क्रूबार लेकर चलता हूँ, लकड़ी के बॉक्स है उसको तोड़ूँगा, देखता हूँ क्या मिलेगा। तो ये रहा क्रूबार और चलता हूँ आगे की तरफ। तो भाई अभी आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी कैंपली वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो अभी मैं आगे चलता हूँ और देखो भाई एक काम करना है, इस क्रूबार को मुझे लकड़ी से तोड़ना पड़ेगा, नहीं क्रूबार से लकड़ी को तोड़ना पड़ेगा, हाँ ये वो लगता है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक स्किन पिटलॉक की, पिटलॉक की बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं इसका रोल बताऊँगा, इसका क्या अहम भूमिका होता है। और इसको मैं यहाँ फेंक देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो सेप की है इसको लेकर चलता हूँ, सेप की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इस सेप को मैं यूज करूँगा। पहले यहाँ पे साइड में जाता हूँ, जो इलेक्ट्रिक डोर है ना, डोर है ना ये, इसके सामने यहाँ पे यूज करूँगा।
यहाँ पे मुझे स्पार्क प्लग देखने को मिलेगा जो कि बोट यानी नाव में लगने वाला है, तो इसको भी मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। और अभी मैं चलता हूँ आगे की तरफ, और अभी मुझे चाहिए जो बॉक्स तोड़ा उसमें पेडलॉक की मिला था उसको भी लेना है। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। भाई ये रूम काफ़ी बड़ा है तो अभी मुझे ऊपर भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखता हूँ कहाँ पे ये रहा पेडलॉक की। इससे भाई पेडलॉक की के जानते हो क्या होगा, इससे जहाँ पे नाव खड़ी है वहाँ पे एक सुरंग है, तो उस सुरंग से होते होते जाएगी, पर उस सुरंग में जाली लगा है तो उस जाली को खोलने में ये पेडलॉक की यूज होगा। तो एक काम करता हूँ उसको भी यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने दो तीन आइटम फेंक दिया हूँ और मेरे पास वो भी चाहिए भाई। वहाँ पे मुझे ग्लोस लाइन कैन पड़ा था उसको भी लेना पड़ेगा, और क्रूबार भी है उसको लेना पड़ेगा। तो ये ग्लोस लाइन कैन है इसको मैं उठा के ड्रॉप कर देता हूँ, ताकि जितना आइटम है सारा मैं आइटम लेकर वहाँ पे फेंक देता हूँ। तो ये आइटम मिल चुका है मेरे को ग्लोस लाइन कैन, इसको मैं भी यहाँ पर फेंक देता हूँ। अभी मुझे एक बार ग्रैंड पा को मारा है, देखो इतनी आइटम मुझे मिल चुका है। अगर एक बार ग्रैंड पा को और मार दूंगा ना तो समझ लो सारा आइटम मैं स्किप कर लूँगा। चलो चलते हैं नीचे की तरफ। और भाई जो मैंने साथ मेरा गन जो नीचे चला जाता है कभी कभी, तो शायद वो ग्लिच ना हो गया होगा भाई, वही जा रहा हूँ कंफर्म करने कि वहाँ पे है कि नहीं। और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ भाई। कहाँ गया ये, यहीं अगर नीचे आता तो यहीं पर रखा रहता है, कहाँ चला गया भाई, वहाँ पर तो डोर लॉक है। चलता हूँ नीचे नाव के पास, आपको नाव भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ग्रैंडपा मुझे मारता है, ठीक है, बाद में बताऊँगा कैसे मारूँगा। चलो यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ, कभी कभी नीचे भी चला जाता है। तो यहाँ पर नाव है, मैं इसी नाव को स्केप करने की बात कर रहा था। और पानी में तो भाई एक आँख वाला जानवर है, और सामने तो देखो जाली है, तो बाद में उसको खोलेंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मुझे पहले तो आइटम सारा ला के यहाँ पर लगाने का पूरा टाइम चाहिए। और भाई गया कहाँ, अगर मैं उसको वहाँ फेंका होता तो आता, अभी तो आया भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। चलो यहाँ से निकलते हैं और ढूंढते हैं देखो कहाँ है। शायद उस वहाँ पे उस स्पाइडर के बच्चे के पास चमक रहा था भाई, सिलेंड्रिना के बच्चे के पास। तो चलो देखते हैं, वहीं पे तो नहीं है, वो जिंदा ना हो जाए बस, बाकी तो सब अपना काम फिट ही है। ये चमक रहा शायद, इसके पास भी इतना नहीं है। एक सेकेंड, ये गन तो ले लिया हूँ। चलो यहाँ से निकलते हैं, मेरे ख्याल से यहीं पर था और मैंने लगा चुका था। चलो भाई आसमान तो पूरा खुला है ये, और इस तरफ भी पूरा खुला आसमान है। चलो यहाँ से निकलते हैं, और नहीं तो ग्रैंडपा आ जाएगा। तो ग्रैंडपा की स्टिक भाई काफ़ी अच्छी है, तो इस स्टिक कभी मैं स्टिक उसका तोड़ दूंगा तो सही रहेगा ना। अब थोड़ा वेट करते हैं ग्रैंडपा कहाँ है, अगर ग्रैंडपा हो जल्दी तो यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि ग्रैंडपा को माननी पड़ेगा, ठीक है। ये हल्क मोड में बना के खेल रहा हूँ, तो हल्क मोड अभी मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, स्टार्ट कर चुका हूँ। अगर हल्क मोड भाई अपनी पावर में आ जाए तो ग्रैंडपा की चुटिंग बजा देगा, तो पहले आने देते हैं। और अभी मैं ग्रैंडपा को मुक्के से नहीं मार रहा हूँ, ठीक है, तो अभी आने देते हैं ग्रैंडपा को। मेरे पास गन है तो गन ही से मार दूंगा, तो आने देते हैं ग्रैंडपा को, थोड़ा वेट करते हैं। ग्रैंडपा कहाँ हो भाई, ज़्यादा टाइम मत लगाओ, नहीं मेरी ऑडियंस काफ़ी वेट कर रही है। ग्रैंडपा जल्दी आ जाओ, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक सेकेंड, ये भाई टेबल गिरा था, खड़ा हो चुका है। तो ग्रैंडपा कहाँ हो भाई, इसको मैं गिरा देता हूँ, गिर जा भाई फिर से। और भाई ग्रैंडपा कहाँ है, काफ़ी वेट कर रहा है। और हाँ, मैं ग्रैनी चैप्टर 3 में काफ़ी ट्रेन स्किप कर रहा हूँ, तो आप लोग जाके हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। अरे बाप रे, ये ग्रैंडपा डांस कर रहा है भाई, तभी हम लोग सोचे इतना वेट क्यों लगा रहा है ग्रैंडपा। मुझे हम लोग अगर जाते ना तो ये सच में काफ़ी डांस करता, और मैं आपको डांस ज़्यादा नहीं दिखा पाया इसके लिए सॉरी। काफ़ी वहाँ पर वेट करा दिया, उसके पहले मैं अगर ऊपर आ जाता तो बढ़िया रहता, क्योंकि ग्रैंडपा को मैं काफ़ी डांस करते हुए देख रहा था आप लोग को, तो ग्रैंडपा को मैं डांस दिखा सकता था आपको। चलो अगली बार मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, पर हाँ जैसे मैं जाऊँगा अचानक से वो आ जाता है, तो इसलिए मैं नहीं गया था, वेट कर रहा था। तो ग्रैंडपा भाई काफ़ी अच्छा डांस करता था, वो FM रेडियो बजा के डांस करता था, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको खोल देता हूँ। इसको खोलने के बाद भाई अपना रास्ता खुल चुका है। ये सिक्योरिटी की इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ढेर सारा सिक्योर चीज़ है। यहाँ पर CCTV कैमरा वैमरा के जो जितने भी चलते हैं ना, सब वहीं पर दिखता है ये सारा चीज़। वहाँ हम वहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिखा सकते हैं कि वहाँ पे हम बटन दाब के सारे कमरे को दिखा सकते हैं कैमरे की मदद से। तो चलो सारा काम हो चुका है, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो फिलहाल के लिए मुझे क्रूबार चाहिए। हाँ, क्रूबार वो रहा, ये रहा, यहाँ पे क्रूबार यूज करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। क्रूबार उसके बाद सारा आइटम तो मिल ही चुका है, और बोट स्टैंडिंग इस बोट के वो वेपन के अंदर है, यानी वेपन वाले हाउस के अंदर, थोड़ा छोटा सा हाउस के अंदर है, फिर वेपन तो ऊपर है, बॉक्स में बंद है। चलो इस लकड़ी का बॉक्स यूज करते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये लकड़ी का बॉक्स तोड़ते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। वाई वेपन की मिल चुका है, जिससे शॉटगन खुल सकता है। तो एक काम करता हूँ, पहले हम इस आइटम को भी यहाँ से लेके चलेंगे, और इस आइटम को लेके चलते हैं और फटाक से इसको हम लगाते हैं। तो चलो ये ग्लोस लाइन कैन इसको लगाना पड़ेगा, और इसको पहले मैं यहीं पर ड्रॉप कर दूंगा।
ठीक है, अब दोबारा चलता हूँ, अब कोई सा आइटम ले लूँगा उसको भी लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे करके मैंने 4-5 आइटम लगाना पड़ेगा, उसके बाद तुरंत निकल लेना है। बाकी सारा आइटम तो मैं यहीं फेंका हूँ, बस एक आइटम है बोट स्टेयरिंग, वो थोड़ा ऊपर से, बस उसको भी एक सेकंड में जाके लेके चला जाऊँगा, ठीक है। चलो चलते हैं, पहले इसको देखो, यहाँ पे ये पिडलॉक की है, तो पहले मैं इसको लगा देता हूँ, उसको लगा, ताला खोल देना, इस लीवर को नीचे गिरा देता हूँ, लीवर को नीचे गिराते हैं, मान वो रास्ता जो है अपना क्लियर हो जाता है और जाली ऊपर हो जाती है। और अब मुझे जानते हो क्या करना पड़ेगा, अब मुझे करना पड़ेगा ये 22 स्पार्क प्लग, चलो इसको लगा देते हैं, उसके बाद ग्लोसलाइन कैन लगाते हैं, उसके बाद बोट की लगाते हैं, बोट की नहीं लगेगा, बोट की सबसे लास्ट में लगेगा, स्टेयरिंग लगेगा, तो स्पार्क प्लग मुझे लगाने में बस एक सेकंड भी नहीं लगेगा, यहाँ पर लगा देता हूँ। चलो ग्लोसलाइन कैन, इसको फ्यूल भर देता हूँ ताकि अपनी बोट काफ़ी वो रहे, बीच रास्ते में रुके ना, और इस पानी में एक आँख वाला भाई जानवर रहता है, कुछ भी बोलो वो काफ़ी डेंजरस है, एक आँख वाला, उसको स्टारफिश नहीं बोलते भाई, उसको फाइव पैर है क्या पता नहीं, उसको खुद बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद रहे। तो यहाँ से निकलते हैं, और भाई आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्लीज़ अगर सच में यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ सच में वो बंदा यहाँ तक देख रहा था मेरा कोई सब्सक्राइबर। और कमेंट कर दो, कि मैं आपको कमेंट को कम्युनिटी पोस्ट में पिन कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें एक बंदे ने एक ग्रैंडपा का फोटो मैंने डाला था, उसमें नाम बता दिया था ग्रैंडपा, तो उसका मैंने वो डाला था कम्युनिटी में, आप लोग जाकर देख लेना। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं जाता हूँ बोट स्टेयरिंग को लगाता हूँ, ये बोट स्टेयरिंग हैंडल है ताकि नाव इधर से उधर हो सके, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब बारी है मुझे बोट की जिससे नाव चलेगी, तो बस उसको उठा के यहाँ पे है, उसको भी लेके चलता हूँ, और बस ये आखिरी आइटम है, ग्रैंडपा तो नहीं, बस ये आखिरी आइटम है। अब चलो यहाँ से निकलते हैं, फाइनली मैं डे वन में ही स्केप कर लिया हूँ, और तो ग्रैंडपा को मैं बस दो बार मारने से मैं इस गेम को स्किप कर सकता हूँ। चलो थोड़ा वेट करते हैं, शायद ग्रैंडपा आ जाए तो बढ़िया देखा, वो सामने सुरंग दिखा रहा हूँ, एक सेकंड वो सामने सुरंग देखो कहाँ तक गया है भाई, एक सेकंड थोड़ा साइड में देखो काफ़ी अंदर तक गया है, ये ट्रेन की उठाते हैं, और चलो मैं इसको स्टार्ट करके यहाँ से निकल लेता हूँ। तो फाइनली मैंने बोट स्किप कर चुका हूँ, आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है तो वो भाई साइड में देखो भाई निकल रहा है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, मैं ऐसी गेम प्ले वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो